ना खाना खा तो घर जाकर के खाना खा सकता है। और जिस भी साथी ने मेरे को बीच बीच में बोल रहे हैं कि क्या कुछ हम सहयोग कर सकते हैं, जिस भी साथी ने सहयोग की राशि देनी है तो आप यहाँ आगे आकर के अपनी राशि को लिखवा सकते हैं। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं आपने सहयोग देना तो यहाँ पर आकर के लिखवा सकते हैं। भोजन का ना तो पीछे व्यवस्था है खाने की, तो एक बार मेरे साथ थोड़ा नारा दे करके थोड़ी एनर्जी को बढ़ाए। आवाज कम है, हरिकेश दनोदा जी है, बिन्यान खाप से है और पूरा समर्थन लेकर के आए हैं। और इसके बाद में मैं चाहूंगा सत्य पहलवान जी जो 20 बच्चों का समर्थन लेकर के आए वो भी अपनी तरफ से 2 मिनट का समय दें। वैसे तो बोल भी लिए थे और पहलवानों ने मौका दिया बोलने का, तो बोल लामीगे बोलने का रह रहे हैं। आदर के मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, किसान मजदूर और मेरी बहने, सभी मेरे कर्मचारी, जितने भी भाई बंधु भारत देश के सर्वधर्म छत्तीस जाति के भाईचारे को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, आज देश के अंदर, संविधान के अंदर टाल मटोल होने लग रही है, न्याय प्रक्रिया की कोई समस्या नहीं। जब एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का के तहत एक FIR दर्ज होती है, कमाल की बात तो है अपनी, तो देश के 36 बिरादरी में आम गरीब में मजदूर में अगर उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, न्याय कैसे मिलेगा। शर्म की बात तो यह है जो हमारे पहलवान बहन बेटी वर्ल्ड के अंदर मेडल जाते हैं तब तक मोदी जी इनको छाती के लगाते हैं, हमारे ब्रजभूषण जी राजू, और जब इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, इनके ऊपर जोर ढा जाता है, क्या क्या लुभा उन्हें सपने देते हैं, तब इनकी तरफ तो कोई नहीं देखा जाता। आज मुझे सड़क से कहना पड़ रहा है ये तिरंगा भी आज इन बहन बेटियों के सम्मान में सुखा गया है, झुकाया गया है। क्या इसे सिस्टम कर लिया है हमें बीजेपी सरकार बनाई थी, क्या बहन बेटियों की इज्जत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा हमारी बेटियों की इज्जत बचाओगे आप लोग? जो क्रिमिनल है उसको सजा सड़कों के पीछे डालो, अन्याय न्याय पालिका दो। मेरा कमेटी निवेदन भारतीय सर्वधर्म छत्तीसगढ़ के हर नौजवान से, बुजुर्ग से, कर्मचारी से, मातृ शक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आज सभी बेटियों को बचानेगा, आज सभी संविधान को बचानेगा, आज सभी अपने देश को बचानेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 मिनट अवश्य लगाता हूँ। सरकारों ने सिस्टम में पूंजीवादी लोगों ने खापों को इतना बदनाम कराया, धीरे 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 खापे जो है बिल्कुल अपना वजूद मिटाने तक आ गई। अब इसमें क्या हो गया, लड़ने वाले लोग जो चंद लोग बचे हैं वो ही खापों तक सिमट के रह गए। फिर बात फिर हो गई थी खाप प्रधान, एक एक खाप में चार चार पांच पांच प्रधान है, चार पांच पार्टियों की, ये फलानी पार्टी से, ये दिकड़ी से, ये उससे, एक सोन घोषित एक समाज का चुना हुआ खाप प्रधान वर्तान कुछ नहीं होता। खाप का एक प्रतिनिधि होता है, खाप के लोग इकट्ठे बैठते हैं, सामूहिक फैसला होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है उस फैसले को सुनाना, यहीं तक होती है। जहां आपने एक आदमी को प्रधानगी दे दी, एक आदमी डिसाइड करेगा हम समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम इसको वोट देंगे कि उसको देंगे, फिर उस खाप में और इस सिस्टम में, इस संविधान वाले, इस अफसरशाही वाले ऊपर से लेकर
हाथ में जहाँ ताकत होगी वो गलत करेगा ही करेगा, वो उल्टे सीधे काम करेगा ही करेगा। इसलिए खाप आप मैं हर बंदा खाप का हिस्सा है। ये चीज जो है हमें दोबारा से एक मंच पे बैठ के और जो है इकट्ठे बैठ के हमें ये चीज समझनी होगी। युवा जो है, युवा के पास बहुत क्रिएटिव आइडिया है, वो समाज को सुधारना चाहते हैं। हमारे युवा ने यू टर्न ले लिया है। पिछली जो 2-3 पीढ़ी है हमारी, वो थोड़ी निश्चिंत हो गई थी, सोचा नहीं कुछ, ठीक है। उससे पहले हमने कितना मजबूत हमारा सिस्टम था समाज का, आप सोच के देखिए, अगर हम वापस वो सिस्टम बना लेते हैं तो हमारा समाज कितना खुशहाल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि समाज में कुछ चंद लोग होते हैं जो सिस्टम के विरुद्ध बोलते हैं, सिस्टम उनको टारगेट करता है, या तो उनको मरवा देता है, या उनके कुछ एक्ट लगवा देता है, या उनको खरीद लेता है। जब लाखों करोड़ों लोग जब जुड़ जाएंगे, इतने लोगों को सिस्टम खत्म नहीं कर सकता।